तो स्टोरी को यूँ है, शाम को इतनी गर्मी पड़ रही थी और मैं बड़ी ही थकी बैठी थी, अचानक से हवा चली है और बारिश होना शुरू हो गई है। तो मैंने मोहम्मद अली से, मोहम्मद अली प्लीज गाड़ी निकाले, हम मेरा इस टाइम कीमे वाले नान खाने का दिल कर रहा है। तो जी हम पहुंच गए हैं खान बाबा को कीमे वाले नान खाने, बेस्ट कीमे वाले नान। और अभी मैं, अभी मैंने उनसे इजाजत ली है और उन्होंने, बिकॉज रेस्टोरेंट बंद है, सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी हो रही है, तो अभी मैं उनके किचन में जाने लगा हूँ एंड आई विल शो यू हाउ द नान्स आर, कीमे वाले नान, द बेस्ट कीमे वाले नान ऑफ लाहौर इज मेड। ये हम खान बाबा के तंदूर पे खड़े हैं और आज लाहौर का वन ऑफ द बेस्ट जो कीमे लगाने वाला ये लड़का है, ये हमें कीमे वाला नान लगा के बताएगा कि खान बाबा कीमे वाला नान किस तरह बनाते हैं। ये इस तरह होता है, आधा किलो कीमा होता है और ये 200 ग्राम का पेड़ा, इसमें एक नान में आधा किलो कीमा डाल रहे हैं। जी जी सही, आपके सामने। लो जी क्या बात है, ये देखिए इसको ऐसे लॉक किया है और दीज गाइस आर रियली गुड। मैं आप लोगों को बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट कीमे वाला नान इन लाहौर, यू कैन सी, मतलब दिस इज, कैन यू सी, आधा किलो कीमा मटन का कीमा डाला है। मटन सर, बकरा नहीं जी, मटन का, बकरे का कीमा डाला हुआ है और ये आप देख सकते हैं, ये तबाही किस्म का कीमे वाला नान बनने वाला है। और फिर ये ये जी, ये भी नान लगने लगा है और ये इसको हल्के हाथ से बेल रहे हैं। हाँ, अब इसका डिजाइन देखें कैसे तैयार होता है। ले जी, अब हमें भाई दिखाएंगे कि इसके ऊपर डिजाइन कैसे बनता है। दिस इज नाइफ एंड ऑल ब्रेड। ले जी, ये इसको फिर ऐसे किया उंगलियों से, अल्लाह के फजल और करम से और उसके नबी की। इसके ऊपर जब ये, जब आप इसको अवन तंदूर से निकालेंगे तो उसके बाद घी लगाते हैं या मक्खन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इसमें लगता है देसी घी। देसी घी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, एक ही मेरा नान की प्राइस क्या है? 700 रुपए। 700 रुपए का नान है, लेकिन आप यकीन करें हर रुपया समझ लें इज वर्थ इट, क्योंकि इस जैसा कीमे वाला नान लाहौर में तो आपको कोई और नहीं मिलने वाला। और जी वो मौका आ गया जिसका हम सबको इंतजार था, खान बाबा के तंदूर से नान निकल के हमारे पास पहुंचने वाला है। ओहो, ये देखिए जी, अब ये नान फुल ऑफ कीमा और आप इसके ऊपर लगाएंगे। आप इसके साथ नहीं जी, उन्होंने मुझे को ड्यूटी दे दी, उन्होंने कहा जी आप ही ला लो ये मक्खन। सॉरी सर, ये देसी घी है जी। खान बाबा में चाहे आप कोरमा ऑर्डर करें, चाहे आप नान ऑर्डर करें, देर इज प्लेंटी ऑफ देसी घी एवरीवेयर। दिस इज द जेंटलमैन खालिद खान साहब, इज द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। और खालिद भाई, आप यकीन माने कि खालिद साहब को तो आप जितनी दफ़ा आएंगे, आप महीने में एक दफ़ा आएँ, आप 10 साल बाद एक दफ़ा आएँ, लेकिन दिस मैन नोज एवरीथिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी। दे आर ऑलवेज काइंड, आपको यूँ ट्रीट करेंगे कि आप अपने घर आए हैं। थैंक यू सो मच खालिद भाई, थैंक यू सो मच। आज जब मैं आया हूँ उनको, मैंने कहा जी मैंने कीमे वाला नान खाना, उन्होंने कहा जी आज बेस्ट डे है कीमे वाला नान खाने का, और नाउ वी आर गोइंग टू बी एंजॉइंग दिस। ओके, और अब यूँ है कि वो हमारे लिए इस हवा में कीमे वाला नान ले आए हुए हैं और हम गाड़ी में ही बैठ के खाएंगे जी। और ये लें जी आयशा जी, तबाही वाला कीमे वाला नान, इसके साथ आपको ड्रिंक पियेंगे आयशा जी। ओ माई गॉड, डाइट कोक सर, डाइट कोक प्लीज ला दें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आयशा जी। प्लीज एक नान का हमें जरा पीस खा के दिखाएं और बताइए कि नान कैसा है। देखने में इतना खूबसूरत है और खाने में तो जस्ट लुक एट दिस, इट्स अ ब्यूटी। आप सोचना कि आधा किलो गोश्त जो है इस नान में है, अब उसका अरोमा है देसी घी का, बहुत गर्म है। मोहम्मद अली मैं तो, मैं देखो मैं नहीं बाइट ले सकूं। नहीं, आप एक बाइट लेके मैं बता दीजिए प्लीज, क्योंकि वैसे तो आई एम श्योर एवरीवन नोज कि दिस इज एक्सीलेंस, इससे आगे लाहौर में तो नहीं आपको कोई बेहतर मिलने वाला। सबसे चीज कीमे वाले नान की बात यह है कि मीट में बहुत मसाले नहीं है, आपको एक्चुअल जो मीट का जायका ना वो उसमें आता है। कुछ लोग होते हैं गर्म मसाला प्याज और ये, आई एम श्योर होगा इसके अंदर, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, बट मीट। मैं आप लोग एक और बात बता दूं, एक और बड़ा मशहूर नान वाला है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो 150 रुपीज का कीमे वाला नान देते हैं, आई एम श्योर वो भी अच्छा होगा। दिस इज फॉर 700 रुपीज पर कीमे वाला नान, सो एग्जैक्टली, सो आई एम श्योर, मतलब आई डोंट थिंक इसको किसी और से कंपेयर भी करना चाहिए, दिस इज डेफिनेटली डेफिनेटली जस्ट लुक एट द कलर, बिकॉज इसमें आपको नजर आएगा कि मसाले नहीं है ज्यादा, आपको पिंकिश स्टोन इस लाइट में भी, यू कैन सी द पिंकिश स्टोन एंड द डिजाइन इज ब्यूटीफुल ऑफ इस, हमें ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपको एक और भी, अभी एक और सरप्राइज भी दिखाते हैं। आज मैं निकली हुई हूँ, लोग ड्राइव पे निकलते हैं, मतलब हाई फाई जगह से जाके आइसक्रीम, आई एम जस्ट लाइक
हार्ट को बस देख रही हूँ, बताए मत ना हम कहाँ जाने लगे। अब नेक्स्ट गेस करें कि नेक्स्ट इसके बाद मैं मीठा खाने कहाँ जा रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था अंदरून शहर, और आज मैं बाकी में अंदरून शहर की टूर पे निकली हूँ और गाड़ी में बैठ के हर चीज के मजे ले रही हूँ। चमन की आइसक्रीम हमेशा बहुत से लोगों को कुछ लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इधर जब जिस मौसम में आओ ना वहां पे रश, इधर रश ही रश होता है। सो ये हमने लिया है आज मैंगो आइसक्रीम, और पीनी हमने डाइट सेवन अप है, लेकिन हमने आइसक्रीम भी खानी है और हमने देसी घी वाला नान भी खाना है। डाइट सेवन अप छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन डाइट सेवन अप पी ली हमने। सो एंजॉय द वेदर। यस एंजॉय 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 अल्हम्दुलिल्लाह।